नमस्कार आज रामनवमी है रामनवमी के आप लोग सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करने के पहले तीन चार पांच चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है मतलब खैर रामायण तो हज़ारों साल पहले हुई थी उसका उल्लेख भी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने लिखा है बट मुझे लगता है बहुत सिमिलरिटी है हम आज की दुनिया में आज की हाईटेक वर्ल्ड में आज के आईफोन के ज़माने में आज के सुपरसोनिक जेट के ज़माने में अगर हम रामायण की कल्पना करें और कंपैरिजन करें तो बहुत कुछ है एक तो नॉर्मली उस समय अगर मैं ब्रॉडली दो मिनट उसके बारे में बात करेंगे फिर अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं मुझे लगता है अगर आप उस समय का भी अगर आप रामायण पढ़ें या महाभारत पढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती थी बाकी सब चीज़ें थी भाई ठीक है आपको अपना जो कमिटमेंट किया है आपको उस पर खड़ा रहना है आपने किसी को वचन दे दिया उसको आपको पकड़ के रखना है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती थी किसी का भी आप बचपन देखें तो वो एजुकेशन से स्टार्ट होता था चाहे एकलव्य की बात करें महाभारत में जिसने अपना अंगूठा कटवा दिया क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने बोला भाई मुझे तुमको गुरु दक्षिणा देना होगा या भगवान राम की बात करें जिनको घर से बाहर भेजा गया था जो आज के ज़माने में एक बोर्डिंग स्कूल की तरह होता है कि भाई तुम जाओ पढ़ो लिखो और कुछ करो लेकिन उस समय की पढ़ाई बीटेक नहीं थी एमटेक नहीं थी इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं थी आर ओ नहीं थी ई नहीं थी एम नहीं थी उस समय की जो पढ़ाई थी वो अर्थ अर्थशास्त्र तो था नहीं इकोनॉमिक्स उस समय डेवलप ही नहीं हुआ था पेपर करेंसी आई नहीं थी दुनिया में लेकिन उस समय की पढ़ाई थी कि आप अलग अलग तीर धनुष चलाना आप सीख रहे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं तो वेदर इट इज़ रामायण और महाभारत पढ़ाई पे एम्फोसिस बहुत दिया गया है मतलब आप पढ़ाई पे इतनी एम्फोसिस अगर आप देख लें खोलकर कि हर एक जगह बचपन में किसी का भी बचपन आप देखें जिसको पढ़ने नहीं भी मिलता था उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जिसको मैं बोलता हूँ वो एकलव्य है कि जिसने छुप छुप कर धनुष और तीर चलाना सीख तीर धनुष चलाना सीखा लेकिन और उसके बाद उसके बाद जब उससे फीस मांगी गई तो ये नहीं कि नौ दो ग्यारह हो गया कि मैं तो क्या मैं तो क्या चीज़ का फीस दूँ मैं तो भागूँ यहाँ से उसने अंगूठा अपना कटवा लिया बिकॉज़ द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो तो इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि कई बार हम बोलते हैं राम राज्य आ गया राम राज्य आ गया राम राज्य लाना है राम राज्य नाम से नहीं राम राज्य काम से लाना है तो मैं कई बार एजुकेशन की बात करता हूँ मुझे लगता है शायद इसलिए करता हूँ बिकॉज अगर आज मैं एजुकेटेड नहीं होता तो शायद पंद्रह बीस हज़ार रुपये की नौकरी करता फिरता कहीं किसी ढंग से घर का खर्चा निकलता और क्या करते और तो मुझे पता नहीं बट एजुकेशन के कारण ही अगर मैं यहाँ बैठ आपसे बात कर पा रहा हूँ और आप मेरे को सुन पा रहे हो इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड फॉर्मल डिग्री की नहीं एजुकेशन डज मीन कि आप सिर्फ एक डिग्री लें कॉलेज में इट मीन्स रीडिंग इट मीन्स थिंकिंग जो एकलव्य का ग्लैरिंग एग्जाम्पल हम रामायण से एकलव्य क्यों आ रहे हैं मुझे पता नहीं बट मेरा दिमाग जैसे से चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ एकलव्य के पास फॉर्मल डिग्री नहीं थी बिकॉज यूनिवर्सिटी जा नहीं पाया वो बाहर से फ्री के इंटरनेट के यूट्यूब वीडियोज़ जो आज के ज़माने में वैसे देखकर वो समझ गया वो सीख लिया लेकिन सेकेंड स्टेज उसका कुछ और है बट कई बार आप देखते हैं अगर हम रामायण की भी बात करें वापस जाएँ भगवान राम के लिए देखें तो केवट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है कि उसने क्रॉस करवाया सरयू नदी को और उस समय कास्टिज्म की बात नहीं थी कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है अगर था तो भगवान राम के मतलब मन में नहीं था कि यार ये ब्राह्मण है ये शूद्र है हमारे यहाँ पे भगवान राम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है एक पोस्टर की तरह बना दिया जाता है जिस तरह हम आजकल के चलते फिरते क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं वैसे ही हम भगवान के साथ ऐसा काम करते हैं और ऐसा क्या भगवान का काम कर ना कि यार उसको आप लोग उस भगवान को ब्रांड एम्बेसडर बना दोगे क्योंकि आपको अपना कुछ बेचना हो तो ये तो हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो या कंपनीज हो वो ये सब इवेंट्स के ऊपर बहुत काम करती है हमारे ऐसे फंड मैनेजर भी स्पेशल रामनवमी डिस्काउंट स्पेशल दिवाली डिस्काउंट मतलब दिवाली पे भी कमर्शलाइजेशन मुझे बहुत बार फोन आता है हमारे स्मॉल केस वालों से कि यार हर एक आदमी दिवाली में डिस्काउंट दे रहा है आप भी दे दो मतलब एक ट्राई करते हैं हम इकनॉमिक्स को त्योहार के साथ इकोनॉमिक्स को हम आगे पीछे घूमते फिरते कोई भी इवेंट के साथ उसको हम कैसे सेटअप कर पाएँ तो ये जो हमारा जो सिचुएशन होता है ये इसलिए होता है बिकॉज हम हर एक जगह हमारा दिमाग में कमर्शलाइजेशन बैठ गया और हम अगर कमर्शियल एंगल से हर चीज़ को देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो मुश्किल होती है करना और एक्चुअली आज के दिन मुझे लगता है कि एक दो चीज़ अगर हम और बात करें तो इम्पॉर्टेंट होगा जो बेसिक है मैं उतना रामायण बैठ के पढ़ता नहीं हूँ मैं जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ता हूँ बट ध्यान बहुत है रामायण की और जब रामायण टीवी में आता था तब तो ऐसे देखते थे जैसे मतलब कि दुनिया रुक जाए लेकिन रामायण देखना जरूरी है जो सुबह का समय आता था आप कहीं पे भी हो कुछ भी हो आप क्रिकेट खेल रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ ए टी क्योंकि रामायण उस समय जब टी में आता था तो पूरे हिंदुस्तान रुक जाता था हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान भी रुकता था पाकिस्तान में भी लोग रुक जाते थे हमारे कुछ पाकिस्तान के दर्शक हैं कल एक जन ने कमेंट दिया तो आप अगर उस समय का अगर आप पढ़ेंगे ब्यौरा क्या होता था इवन पाकिस्तान में क्योंकि वो टेलीकास्ट उधर हो जाता था वहाँ पे भी लोग रुक जाते थे वहाँ पे भी लोग जाके रामायण देखते थे कुछ लोग रामायण को एक सीरियल एक स्टोरी की तरह देखते हैं कुछ लोग रामायण को एक धार्मिक चीज़ की तरह देखते हैं मैं रामायण को देखता हूँ व्हाट कैन आई गेन आउट ऑफ इट तो मुझे जो दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक तो विभीषण का रोल अगर आप देखें तो यहाँ पे हर एक घर में हर एक जगह एक विभीषण होता है विभीषण का रोल बहुत एक्स्ट्रॉडनरी नहीं है लेकिन वो बाद में अगर आप गीता में देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने इनडायरेक्टली बोला कि जो विभीषण ने किया वो गलत किया बिकॉज वो धर्म का साथ दिया और अधर्म के अगेंस्ट गया तो बट उस समय के हिसाब से एक भाई अपने भाई के अगेंस्ट चला गया वो गलत बात थी बट अब रावण को भी अगर आप देखें रामायण में तो वो भी बड़ा ही विद्वान मतलब रावण से बड़ा बोलते थे कोई विद्वान नहीं था तभी रावण की जब मृत्यु होने वाली थी तो भगवान राम ने बोला लक्ष्मण को कि जाओ तुम समझ के आओ वो क्या बोल रहे हैं वो और बिकॉज एज ए किंग भगवान राम नहीं जा सकते थे उससे समझने और सीखने रावण से कि भाई तुम क्या बोल रहे हो लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात होती है इसमें जो जो चार बात बोली है साम दाम डंड भेद आप कोई भी काम को इन चारों चीज़ों से कर लेते हो हम आज कलयुग में साम को तो हम स्किप कर गए आप किसी को धीरे से कुछ बोलिए तो सुनेगा ही नहीं दाम से ही स्टार्ट होता है तो साम इज़ आउट ऑफ सिलेबस राइट ना हो की कोई बात ही नहीं होती आज ये बात होती है सिर्फ दाम की कि पैसे दो यार पैसे कितने दोगे उसकी बात करो और उसके बाद दाम फिर डंड फिर लड़ाई झगड़ा करो या उसके अंदर फूट डालो भेद करो तो ये साम इज़ आउट ऑफ सिलेबस ना हो अब किसी से प्यार से कोई बात कर लो तो वो सोचेगा आप वीक हो तो आपको फर्स्ट स्टेज ही आपका हो गया दाम पैसे दो पैसे कितने मिलेंगे पैसे कितने मिलेंगे हर चीज़ पैसे पे हो गई है आप एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जब हमारे इस रामायण के पूरे इसमें बोला जाता है कि जब लक्ष्मण जी को जब तीर लगी तो वो जो उनको ठीक करने के लिए जो आए थे जो वैद थे वो एनिमी कैंप से आए थे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ एनिमी कैंप बिकॉज काफ़ी लोग आ, हिंदी वाला समझ नहीं पाएंगे कि कैसे है, वो रावण क्या वो बैद थे वो इधर आए और फिर उसके बाद उनके आ, इलाज के लिए और उस समय हेल्थ को लेकर इतना इम्पोर्टेंट था कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ मुझे लगता है आगे पीछे घूमते फिरते सभी कुछ हेल्थ एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई करानी वहाँ पे कहीं नहीं बोला गया रामायण में कि आप पूजा पाठ करते यज्ञ करते थे फिर भी अश्व में यज्ञ होता था जो लव कुछ ने रोका लास्ट में जाकर वो इसलिए होता था कि हमको अपने जो किंगडम है अपना जो सब कुछ बढ़ाना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर पिताजी ने बोल दिया कि तुम वनवास ले लो तो चल पड़े वनवास उससे इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है आज के दिन कौन वनवास लेगा चौदह साल का वनवास छोड़ो घर में ही जब डिवीजन होता है तो कोई पाँच रुपये कम नहीं ले दूसरे भाई से तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है तो एक के बाद एक एक के बाद एक बैक टू बैक काफ़ी चीज़ें हैं इसमें रामायण में अगर आप उसको आज की दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो लेकिन आज के दिन मुझे लगता है राम एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप हो गए हैं जिसको हम लेकर अपनी अपनी चीज़ें को मार्केट करने में लगे हुए रहते हैं और मैं तो ये सब करता भी नहीं और मुझे उतना मैं धार्मिक भी नहीं हूँ कि रोज़ सुबह उठ मैं दस मिनट पंद्रह मिनट पूजा पाठ करूँ बस कहीं मंदिर अंदिर गए तो हाथ जोड़ लिया वो जोड़ लिया और आगे बढ़ गए बिकॉज मुझे हर वक्त ये लगता है कि आप कुछ भी करें लाइफ में आपको इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एज ए पर्सन आप अच्छे होने चाहिए बाकी सब चीज़ें तो चलती रहती है एनी anyway, ये सब चीज़ें चलती रहेगी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ मुझे जो ध्यान में आती है वो ये है कि एक भाई दूसरे भाई को राज्य दे रहा है रामायण में कि तुम बन जाओ राजा और भरत बोल रहे हैं नहीं हम नहीं बनेंगे शत्रुघ्न तो खैर छोटे ही थे और वो कहाँ है कॉन्टेक्स्ट आज के दिन वहाँ तो कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं आज एनीवे anyway, चलो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं <coughs> हो गया इतना मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाऊँ आप लोग को कि होता कैसे था उस समय का क्या दौर था और अभी का क्या दौर है एनी वे पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का सर आई लॉस्ट सेवन एंड हाफ करोड़ इन ऑप्शन मेरे फादर के डेथ के बाद मैंने अपने पिताजी की ज़मीन बेच दी और घर भी बेच दिया मैंने गाड़ी भी बेच दी और मैं डर गया था मैं बहुत गुड था फंडामेंटल्स में और मैंने वापस रीबिल्ड किया पोर्टफोलियो को ट्वेंटी नाइन को जो मेरे पास बचे थे ऑप्शन से इनका करंट अकाउंट दो करोड़ का हो गया वापस इन्वेस्टिंग करके और बोलते कि अगले पाँच साल में ये सब वापस रिकवर कर देंगे मार्केट पावरफुल है और लेकिन अगर ये आदमी कोई भी पचास लाख भी होगा तो वो दस करोड़ आठ दस साल में बना सकता है ब्रिलियंट मतलब यही होना चाहिए जज्बा ऑप्शन में खो दिया आपने ठीक है कोई बात नहीं आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करेंगे आपका पैसा वापस बन जाएगा ये ऑप्शन में सिर्फ ट्रेनर कमाता है ट्रेडर नहीं कमाते हैं और ये इस ढंग से होता है कि अगर आप कभी आप दिन में कबूतर को दाने दिए हो जो आ आ आ कौन सी मूवी दिल वाले ले जाएंगे तो वो आ आ आ, आ ये जो जितने कबूतर हैं ना ये सारे वो रिटेल ट्रेडर हैं जो उन गरीब इंसान को अमीर कर रहे हैं जो ट्रेनर बन गए हैं जो रोज़ का आपको रुख देंगे आज तुम ये खरीद लो आज तुम वो खरीद लो और अटेंशन के लिए कुछ भी करेंगे घर में बच्चा होता है तो होता है ना बच्चा होता है तो घर में आते हैं लोग पैसा मांगने जिसको हम ट्रांस बोलते हैं वो लोग आप उनको पैसा नहीं दो तो वो अटेंशन के लिए कुछ भी करेंगे नॉर्मली आपके पास पैसा हो तो दे देना चाहिए अगर नहीं हो तो आप पैसा के लिए वो कुछ भी करते हैं बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए उनको डाइवर्ट करना है आप उनको पैसे दे दो तो बड़े खुशी खुशी पैसा लेते हैं और आशीर्वाद और देकर जाते हैं तो कुछ लोगों को उस ढंग से पैसा लेते हैं और इसी ढंग से कुछ लोग हैं अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ट्विटर पे देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे उनको अटेंशन लेना है। अगर मैं बोल दूँ कि निफ्टी मेरे को लग रहा है पंद्रह हज़ार होगा जून तीस तक पंद्रह हज़ार होगा निफ्टी जून तीस तक लिखवा लो किसको याद है यार जून तीस तक होगा कि नहीं लेकिन उसके पीछे मैं अपना दुकान जरूर चला लूँगा ये बुड़बकगिरी का काम है लोग फंसते हैं इसीलिए लोग फंसाते हैं और मुझे अगर बड़ा बनना है ज़िंदगी में मैंने बोला ना कि आज की जब आज की दुनिया में आदमी बड़ा बनता है अपने नॉलेज पे नहीं स्किल पे नहीं दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर तो बेवकूफ़ बनाकर बड़ा बनाने वाले लोग बहुत हैं इस दुनिया में उनसे आपको सचेत रहना होगा और सावचेत रहना होगा मुझे पता नहीं राइट वर्ड क्या है एक जन ने आके बोला सर सचेत राइट वर्ड है दूसरे ने बोला नहीं सर सावुचेत है तो मैं दोनों साथ में बोल देता हूँ कि बिकॉज मुझे लगता है भाई जो सही बात है वो सही बात कर लो पानी का ग्लास कहाँ गया पीछे रख दिया गया देखिए तो ये नॉर्मली होती है बात अब इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि अगर आप दुनिया में देखें दुनिया में देखें आगे देखें पीछे देखें कोई भी कॉन्टेक्स में घाटा बहुत करते हैं लोग लेकिन वो घाटे के बाद रिकवर जो नहीं करते हैं प्रॉब्लम उनमें है लेकिन जो घाटा करके रिकवर कर गए उनमें फिर क्या प्रॉब्लम है तो ये इनका वही केस है कि इन्होंने घाटा किया साढ़े सात सौ साढ़े सात करोड़ का साढ़े सात सौ करोड़ बोल रहा था मैं उसके बाद रिकवर किया ऑप्शन ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग ये सब गेम ऑफ चांस है सौ में से एक कमाएगा कौन कमाएगा एक सौ में से जो आपको ट्रेड करवा रहा है और जो ट्रेडिंग करवा, करवा करवा के आपसे पैसे ले रहा है बाकी कोई नहीं कमाता है सब में किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कि दस करोड़ रुपये ट्रेडिंग करके कमा लिया हो जो कमाता है वो ट्रेनिंग करके कमाता है ट्रेडिंग करके कोई नहीं कमाता है हाँ अभी आप बोलेंगे सर आप भी तो यहाँ पर पैसा कमाए कैसे हैं ट्रेडिंग करके ट्रेनिंग करके ट्रेडिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ तो ये बात आप मान सकते हैं इंपॉर्टेंट बात बट इंपॉर्टेंट ये होती है कि कई बार आपको ये समझ में आना होगा कि जब तक आप कुछ अपने लिए दुनिया के लिए कुछ दिखा नहीं दे कि हाँ यार दिस इज़ द वे टू गो लोग आपके पास जेनुनली नहीं आएंगे आप पैसा कमा लेंगे लेकिन आप इज्जत नहीं कमाएंगे तो दुनिया में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है पैसा भी इम्पॉर्टेंट है इज्जत भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इज्जत उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट पैसा है बिना इज्जत के पैसा कमाया हुआ आपको पता है ना फिर तो लोग गाली देंगे आपको पीठ पीछे तो वो होता ही हमारे यहाँ हमारे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारे देश में देख लो कोई भी रिस्पेक्ट से बात नहीं होती बिहाइंड बैक बिहाइंड बैक सामने अगर होगा तो आप दौड़े दौड़े जाएंगे सर एक सेल्फी सर एक सेल्फी ऐसे करके कर, सेल्फी खींचेंगे उनके साथ सामने पीछे होगा तो किसी की भी बात होगी आदमी सीधा वन स्ट्रोक में बोला चोर है साला ऐसे ही बोलते हैं चोर है साला तो ये नॉर्मल वर्ड है यूज़ करने का और ये हम लोग आप भी सबको ऐसे ही बात करते हैं और वो इसलिए बात करते हैं बिकॉज वो अननेचुरल नेचुरल वेज से आगे पीछे घपला करके पैसा कमाया हुआ रहता है अगर पैसा जेनुनली कमाया होगा तो ऐसे कोई नहीं बोलेगा बट दैट इज़ द वे द वर्ल्ड इज यानी वे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर ड्यू टू माई जजमेंटल एरर आई लॉस्ट फिफ्टी लैक्स इन टू थाउजेंड एट इन फ्यूचर्स गुरु जी इनका नाम है गुरुजी मुझे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं लाइफ गोज़ ऑन बिल्कुल सही बोला आपने लाइफ गोज ऑन अगर आप जजमेंटल एरर से आप खो दिए हो पैसा और एक और इम्पॉर्टेंट होता है ये बात कि आप एक बार खो दिए पैसा डैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि खोने के बाद रिकवर नहीं करना अगर आप बाज़ार में टिके हो अगर आप अप्स एंड डाउन देखोगे तो आप ये पैसा बिल्कुल रिकवर करोगे आपको एकदम रिकवरी पॉसिबल होगी इस पैसे की बट होता यह है कि इसके बाद आदमी वो अगर आप पचास लाख एक बार खो दिए पचास लाख तो बड़ी अमाउंट है मैं पाँच लाख से बात करता हूँ फिर वो पाँच लाख कमाने के चक्कर में आप लगे रहोगे आप लगे रहोगे फिर आप और पैसे लगाओगे उस पाँच को रिकवर करने में फिर वो घाटा सेवन होगा फिर सेवन को रिकवर करने में आप और पैसा लगाओगे टिल सच टाइम डिट यू विल एग्जॉस्ट ऑल योर रिसोर्सेज और उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो ये सब बातें अच्छी हैं सोचने की है करने की है लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि अल्टीमेटली ये एक बार घाटा हो गया तो उसको काटो आप सोचो ये बॉडी का वो ऑर्गन है जो फंक्शन नहीं कर रहा है हम लोग बोलते हैं इस बॉडी को काटो इस ऑर्गन को और आगे बढ़ो गॉल ब्लैडर होता है ऑपरेशन होता ही है ना तो ऐसे ही मूव ऑन करो लाइफ में सर आई थिंक पीपल हु हैव स्मॉलर इनकम एंड नॉट एबल टू इंक्रीज़ इनकम कैन डू ट्रेडिंग दे कैन इन्वेस्ट ट्रेडिंग इनकम इन एस राइट हैप्पीली बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग आप ट्रेडिंग करके कौन बड़ा हुआ है मुझे एक नाम बता दो जिस ज़माने में लोग ट्रेडिंग कर करके पैसा बनाए थे वो ज़माने में सेबी नहीं थी वो ज़माने में आप अगर देखेंगे तो कॉन्टेक्चुअली कोई आपको पकड़ने वाला नहीं था आप कुछ भी करके आगे बढ़ जाते थे आप कुछ भी दाया बायाँ ऊपर नीचे फ्रंट राइट लेफ्ट कुछ भी करके निकलते थे सेबी पकड़ती भी थी तो आप कंसेंट ले लेते थे पच्चीस पचास लाख रुपए दे के मैटर सलटा देते थे जिसने ट्रेडिंग के करके बहुत पैसा बनाया वो उस ज़माने में बनाया जब से भी नहीं थी जब इंसाइडर इंफॉर्मेशन गलोर जिसको हम कहते हैं वो था मार्जिनिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं थी सौदा कर लिया जब होगा तो देंगे नहीं होगा तो तुम झेलो हम क्या करें वो वाला सिचुएशन था सर्वेलेंस नहीं था तो मतलब बेसिकली सीधी उंगली से घी निकाला बहुत कम लोगों ने सर पहली बार मालूम हुआ कि ट्रोल करने के ट्विटर पे पैसे मिलते हैं किशोर सुराना बोल रहे हैं मिलते हैं यार आ, दो रुपये तो मेरे ख्याल से हम लोग ऐसे ही बोलते हैं बट दो रुपये नहीं मंथली मिलता है इनको दस हज़ार पंद्रह हज़ार रुपया मिलता है इनको कि भाई तुमको यही टारगेट ऊपर से आ जाता है कि ये फ़लाने फलाने अकाउंट्स हैं इनके पीछे तुमको लिखना है झूठ लिखना है सच लिखना है लिखते जाओ और ये ऐसा क्विक साइंड है कि अगर कोई साहूकार आदमी इस चक्कर में फंस गया तो वो अपना टाइम भी खोटा करेगा और उसको मिलेगा कुछ नहीं तो इनको वापस देने के लिए कि जो कि इनको इनकम नहीं मिले आप इनको रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दें तो इनको ऊपर में जिनका ये लेकर आते हैं मैंडेट कि हमें ट्रोल करना है उनको ये बताएंगे क्या क्योंकि ये अफेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी और को बिकॉज दूसरा वाला इंगेजमेंट ही नहीं कर रहा है कुछ लोग होते हैं जो ट्रोल करते हैं पैसे के लिए कुछ लोग होते हैं वो ट्रोल करते हैं कि मैं ट्रोल करके मैं फेमस बन जाओ आप किसी बड़े आदमी को पकड़ो वो फेमस बन आप इलॉन मस्क को कम से कम लाखों आदमी ट्रोल करते हैं एक मैं भूल गया नाम डॉन ना क्या नाम है उसका डॉन वो अपना अमित जी और वो शाहरुख खान वाला डॉन नहीं वो वहीं वाला डॉन है लोकल डॉन है अमेरिकन डॉन है वो तो वो क्या करता था टेस्ला की गाड़ी लेता था चलाता था और दिखाता था कैसे वो गाड़ी ठोक रही है बच्चे मर जाते थे ये हो जाता था मतलब पुतला रख लगाता था बच्चे का लोगों ने कितना बोला ईलॉन मस्क को इसके ऊपर सूट फाइल करो सूट फाइल करो उसने नहीं किया बिकॉज ईलॉन ने एक बार बोला कि ये वही चाहता है कि मैं इसको इम्पोर्टेंस दूँ इसको आज कोई नहीं जानता ये अपनी कुएं का मेंढक है इसको जहाँ मैं इम्पोर्टेंस दूंगा मैं इस मेंढक को कुआं से बाहर निकाल कर बाहर खेतों में ले आऊँगा मैं इस मेंढक को कुआं से बाहर नहीं निकालने देना चाहता हूँ इसीलिए मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा और ये जितने ट्रोल्स आपके आते हैं सब ऐसे ही हैं इनकी कोई औकात ही नहीं किसी के पास अगर करोड़ रुपये खुद का हो तो ये सब काम करेगा वो आपको आपके पास सपोज़ अगर दो करोड़ रुपया हो आप किसी के पीछे ऐसे करोगे आप क्या वो सड़क के स्ट्रीट डॉग की तरह भागोगे गाड़ियों के पीछे कि आप अल्सेशन की तरह घर में बैठोगे आराम से क्या देखा जाएगा यार तो ये वो एक एक अंग्रेजी में कहावत है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट तो वो वाली बात होती है और ये सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं ग्लोबली भी है तो मैं इलॉन स्टोरी इसलिए बताया बिकॉज वो डॉन वाले भैया जो थे वो रोज ही कुछ में एग्जैक्ट नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है <coughs> वो रोज एक वीडियो बनाते थे टस्ला की गाड़ी गई ऑटोमेटिक गाड़ी देखो ये बच्चा देखा बच्चे को रोका नहीं गाड़ी ने बच्चे को उड़ा दिया बच्चा नहीं था वो पुतला बनाता था सड़क पे रखता था एंड यूज टू से कि वो गाड़ी जो है आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रही है बच्चे को और इसीलिए टेस्ला की रोबो टैक्सी फेल होगी ऑटोनोमस ड्राइविंग चलेगी नहीं बट इलॉन मस्क ने आज तक मेरे को याद ही नहीं है उसने कभी भी उसके अगेंस्ट कुछ लिखा और ये भी जो उसने बोला कि मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ वो मेरे को एक जन ने बोला जो इलॉन मस्क से बात होती है उसकी और उसके पास करीब सत्तर अस्सी करोड़ रुपये का सिर्फ टेस्ला का शेयर है तो उसने मुझे बोला कि आई स्पोक टू इलॉन वंस एंड दिस इज वॉडी सेट कि मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ उस इंसान को बिकॉज़ अगर मैं जहाँ उसको इंपॉर्टेंस दे दिया उस को वही चाहिए कि मेरे को ऊपर करो आपको पता है कई बार क्या होता है पॉलिटिक्स में भी ये होता है हर जगह ये होता है जो अन्ना हज़ारे मूवमेंट हुआ था जिस पर यह हुआ था वो ऐसे ही होता है सब चीज़ें पॉलिटिक्स में भी या कहीं पर भी कि आप एक टारगेट करो झूठ बोलो बार बार बोलो ज़ोर जोर से बोलो लेकिन रामनवमी के दिन मत बोलो आगे चलते हैं सर मुझे तो सबसे बड़ा रीजन यह लगता है कि आपका चेयरफुल नेचर ओ बोल रहा है कि मुझे आज तक कोई बीमारी क्यों नहीं है मेरा चेयरफुल नेचर चेयरफुल है रे आपको लगता है घर वालों से पूछ लो परेशान है मेरे से क्योंकि मैं नॉर्मली नॉर्मली मेरे पास कोई अगर कोई कुछ बोलने आता है तो मैं बोलता तो, शॉर्ट में बताओ क्या है क्योंकि तो लोगों की आदत होती है फिर मैं वहाँ से आई तो फिर वो हुआ तो फिर मैं वहाँ वो उधर बैठी तो फिर उधर मुझे वो मिल गया मेरे मेरा होता है कि वहीं से स्टार्ट करो कि वो मिल गया उसने क्या बोला तुमने क्या बोला बात ख़त्म करो और लेट्स मूव ऑन लेकिन नॉर्मली बिकॉज शायद इम्पेशेंट टू ज़्यादा ये ये भी बोल सकते हैं बट हाँ चेयरफुल तो रहता हूँ नॉर्मली चेयरफुल रहता हूँ और जब तक कोई चक्कर में नहीं फंस जाए जब तक चेयरफुल रहता हूँ लेकिन फिर एक बात इंपॉर्टेंट है मेरी डरता नहीं मैं किसी से ये बात पक्की है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता देखा जाएगा यार जो भी होता है चलो एनी वे सर यूट्यूब में पैसे बनते हैं या ट्रेडिंग में आपको देख कर लगता है यूट्यूब ही ठीक है YouTube में मेरे पैसे बनते हैं यार लेकिन उतने पैसे नहीं बनते जितना मतलब मेरे को पेट में जाकर मेरे पेट में कुछ हो तो मतलब मेरे पे YouTube तो पैसे बनते हैं काफ़ी पैसे बनते हैं बट नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी बनते हैं मेरे लिए Pas de उतना नहीं बनता है बस यही बोलूंगा आप कितना बनता है नहीं बनता वो मैं क्यों बोलूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि मेरे यार महीने के इतने बनते हैं तब बोलते बा झूठ बोलता है अगर मैं बोलूंगा नहीं बनते तो अब बोलेंगे झूठ बोलता है बहुत पैसा बना रहा है तो यह इधर कई बार क्या होता है लाइफ में पैसे रुपए की बात को लेकर मुँह बंद रख लेना चाहिए बोले तेरे को जो सोचता है सोच जो समझना है समझ हमारे बनते हैं कि नहीं बनते हैं अगर तुम्हारे पेट में दर्द है नहीं नहीं जान जानकर कितने बनते हैं तो तुम पेट का दर्द के साथ रहो पुदीना रखाओ पुदीना रहा इस गुड आयुर्वेदिक टाइप दूसरा वाला मत खा लेना वो दूसरे वाले तो अभी जज की लथाड़ खा खाते हुए वे वेट कर रहे हैं अभी कल मैंने देखा बाबा रामदेव को लाला रामदेव को अब अब ये बाबा भी मुंह से क्यों निकलता है यार बाबा भी नहीं निकले कल मैंने देखा रामदेव को रामदेव जी बोलेंगे उम्र में बड़े हैं वैसे द वे वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है इज फिफ्टी सेवन ओल्ड फिफ्टी सेवन सत्तावन साल के हैं रामदेव जी तो ये रामदेव जी फिफ्टी सेवन ईयर्स ओल्ड किसी ने मुझे बोला मैं बोला कितने साल से फिफ्टी सेवन पे है भाई ये भी बता दो तो कल उन्हें देखा मैंने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े हुए अच्छा लगा कि कम से कम आदमी माफ़ी मांग रहा है अब जज को पता चलेगा जज बताएंगे इनको कि डंड क्या देंगे इनको बिकॉज़ यहाँ पे तो धाम का भी कोई कंसेप्ट नहीं है आई डोंट थिंक इज गड बी फाइंड और भेद का क्या है सो so डंड ही पड़ेगा साम दाम दंड भेद के कैटेगरी में एनी वे सर एफ बेच रहे हैं डी खरीद रहे हैं इस पर कुछ बताएं वीरेंद्र चौबे बोल रहे हैं क्या बताएं हम लोग देसी लोग पैसा डाल रहे हैं एफ को जिनको ये नंबर नंबर सही समझ नहीं आ रहा है वो बोल रहे हैं नहीं यार है। ये एशियन पेंट और ये एच और ये जितने सारे छोटे मोटे शहर में पैसा लगाकर फ़ायदा नहीं है अभी फॉर द मोमेंट बिकॉज अभी रिजल्ट इनके हिसाब से बहुत कंड्यूसिव नहीं है तो ये गेम चल रहा है इसमें क्या बोल रहे हैं बसंत जी प्लान यो नेक्स्ट ट्रिप टू पाकिस्तान निराश मत करना पाकिस्तान भाइयों को भार्गव व्यास भार्गव व्यास मुझे पता है आप बहुत व्यंग में लिखे हो और आ, मैं आपको सच बात बताऊँ I want to travel to Pakistan. Undivided India था यार. Pakistan हो, Bangladesh हो. Bangladesh not so much, because Bangladesh हर हमारा culture उतना match नहीं करता. Bangladesh is mostly Bengali culture. It's not the Hindi culture. और Pakistan में बहुत Marwadi communities हैं, Maheshwari communities हैं, जिनको मैं Twitter पे follow करता हूँ, just to get a sense of how life moves on there. तो Pakistan ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि visa का problem है, ये होने का problem है. और actually वो भी problem हो या न हो, घर से मुझे permission नहीं म पाकिस्तान जाने की ये बात पक्की है बिकॉज इतना खौफ बना हुआ है डर बना हुआ है कि यार पाकिस्तान नहीं जाना है जहाँ जाना है जाओ हाँ बट ये है कि मुझे लाहौर जाना है वहाँ पे खाना खाना है सड़कों पर खड़े होकर और मजा करना है क्यों नहीं जाएंगे पाकिस्तान यार आप लोग मुझे पता है आपके मुँह से ना वेनम निकलता है वेनम्स यू स्पिट वेनम और आप लोग जैसे लोगों के लिए ही देश हमारा आज के दिन भी यही डिसाइड करता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कूल्स एंड हेल्थ है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ और है कुछ और का मतलब मंदिर और मस्जिद है मंदिर और मस्जिद इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर्सनल इवेंट्स है स्कूल और हेल्थ इंपॉर्टेंट है बच्चों को पढ़ाई करानी ज़रूरी है बच्चे आगे बढ़ें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ करें आपके बच्चे आपको आज से तीस साल बाद पूछेंगे कि जब इतना बड़ा दुनिया में रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय हमको आप लोगों ने स्कूल क्यों नहीं भेजा उस समय हमको आप लोगों ने इस सब चीज़ों में क्यों लगा दिया उस समय यू विल हैव नो आंसर बिकॉज उस समय तक बहुत लेट हो जाएगी तो फोकस अभी होना चाहिए स्कूल और कॉलेज के लिए आप अगर पाँच किलो आटा दाल चावल लेकर खुश हैं तो आपके एस्पिरेशन लेवल दुनिया में बहुत कम है उस एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाएं और ट्राई करें कि आप और आगे कैसे बढ़ सकते हैं लाइफ एनी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर लाइफ में कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए मेरा रुपया तो घर वालों ने ही खा लिया आई पी यू बोल रहे हैं आप <laughs> किसी को भी पैसा दोगे पैसा डूब जाएगा सिंपल फंडा किसी को भी नहीं देना पैसा उतना ही देना जितना आपको लग रहा है कि ये रिटर्न नहीं करेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा बट अगर आप जिस दिन ये कैलकुलेशन में आ गए कि यार इसको मैं पैसा दूँ यहाँ पे मेरा पैसा लेगा उस पर एक इंटरेस्ट रेट पूछे देगा मैं उस ब्याज से घर चलाऊँगा आपका पैसा डूब जाएगा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बेटर है बैंक का फिक्स डिपॉजिट लो और पूरा सौ परसेंट को सेव करो बजाय कि चार पाँच छः परसेंट एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आप ये सब पैसा का काम करो ये सो गए इनको मैंने उठाया चलो भाई सर वोडाफोन आइडिया के एफ में अप्लाई करने करें कि नहीं प्लीज़ टू मिनट ऑन वोडाफोन आई पी ओ जैश बोल रहे हैं आप माहेश्वरी जयश जी हैं वोडाफोन पर बहुत कहानी कर लिया हूँ मैं आई एज्यूम कि आप बेसिक पुराने वीडियोस देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज़ कुछ तो हम मल्टी बैगर टी वाले भैया लोग के लिए छोड़ेंगे वो बताएंगे कि बारह रुपये का वोडाफोन ले लो कैसे 40 हो जाएगा वैसे बात चल रही है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन के बाद 15 से 20 परसेंट का रेट हाइक आएगा द बोर्ड टेलीकॉम स्टॉक्स में इलेक्शन के बाद और 15 से 20 परसेंट का अगर टैरिफ में रेट हाइक आया मतलब आपका मोबाइल बिल अगर 200 का आ रहा है तो शायद 240 हो जाएगा तो ज़रूर फायदा होगा हर एक टेलीकॉम कंपनी को और वोडाफोन को मैक्सिमम फ़ायदा होगा अगर ये बात आ जाती है तो लेकिन ये बात उड़ती उड़ती खबर है अभी कोई कंफर्म नहीं है ना इसकी पुष्टि की गई है तो आप इसके बारे में बोल नहीं सकते वैसे एक और चीज़ बोलता हूँ आज तक ही हम बता पाएंगे कि बीजेपी की कितनी सीट आ रही है क्योंकि आज के बाद जब इलेक्शन का दौर स्टार्ट हो जाएगा उन्नीस अप्रैल का उसके बाद ये बात भी पब्लिकली बोलना कानून अपराध है तो मैं उसके बाद नहीं बोलूँगा बट आज भी क्या आज बोल के अब क्या होगा इतने दिन से तो बोल ही रहे हैं लेकिन हाँ आज कल परसों दो तीन दिन बचे हैं उसके बाद इलेक्शन सीजन ऑन है उसके बाद आप इसकी बात ही नहीं कर सकते हो कितनी सीट बीजेपी की आएगी या नहीं आएगी कितनी सीट कांग्रेस की आएगी कितनी एन की आएगी क्या होगा बिकॉज फिर जब तक ये पोलिंग ख़त्म नहीं होती है तब तक कोई भी पब्लिक फोरम में इसका डिस्कशन नहीं कर सकता एनीवे anyway. नेक्स्ट क्वेश्चन सर आई एम फ्रॉम घाना वेस्ट अफ्रीका व्हाट वुड यू एडवाइस पीपल लाइक मी जो मैं लेट फिफ्टीज़ में हूँ और कुछ पैसा बनाया हूँ जिंदगी में मैं एक्टिवली स्टॉक मार्केट कैसे कर सकता हूँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट दस साल से स्मॉल क्वान्टिटीज़ में सचिन बोल रहे हैं सचिन आप ज़रूर इन्वेस्ट uh, कर सकते हैं आप घाना में हैं वेस्ट अफ्रीका में घाना से हमारे एक पी uh, के क्लाइंट भी हैं और uh, वो इंडिया आए थे तो इतने सारे डार्क चॉकलेट्स लाए हम लोग कितने आई थिंक हफ्तों तक उनका डार्क चॉकलेट खाए और डार्क चॉकलेट खाए जो खाए कम से कम एक डेढ़ किलो वजन बढ़ाए होंगे डार्क चॉकलेट से वज़न नहीं बढ़ता है लेकिन मेंटली लग रहा था कि उसको जितना खा रहे हैं उतना ही हमारा वजन बढ़े जा रहा है और वो बहुत सारे डार्क चॉकलेट कोको वाले लाए थे वो खाना में है वो पी के क्लाइंट भी हैं हमारे और काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि सर आपका पी का रिटर्न का कुछ बताएंगे क्या तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस फ़ोन करें आपको सेबी से ठप्पा लगाया हुआ कोटेक बैंक से कैलकुलेट किया हुआ रिटर्न मिलेगा स्ट्रेट डॉग्स की बात न सुने क्योंकि स्ट्रेट डॉग्स जो हैं वो आपको कुछ भी बोलेंगे और उन्हें चाहिए अटेंशन तो इसलिए हम अटेंशन देंगे नहीं हम जितना उनको अटेंशन नहीं देंगे उतना उनको टेंशन उनका आप उनका दिमाग उनको खुद देगा सो एनी कमिंग बैक टू इट आप घाना से हैं आप लेट फिफ्टीज में हैं स्टॉक मार्केट बहुत केयरफुली आए आपको एक्सपीरियंस नहीं है अभी मार्केट जो है थोड़ा पैसा अभी लगाएं थोड़ा पैसा इलेक्शन के बाद लगाएं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप लार्ज कैप्स में रहेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा स्मॉल कैप में छक्के चौके मारने की चेष्टा ना करें बिकॉज अगर आप स्मॉल कैप में फंस गए एक बार तो आप फिर पैनिक करने लग जाएंगे तो क्योंकि आप नए नए बाज़ार से आए बाज़ार में आए हैं जो मुझे लग रहा है आपकी बातों से आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें इस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब अभी अब मैं आपको बी एम टॉप टेन बोलूँगा तो दुकानदारी हो जाएगी बट वैसे टाइप शेयर्स में इन्वेस्ट करें वैसे टाइप उसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें आपका कॉल है वैसे टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो बड़े कंपनियाँ हैं जो मार्केट के उठापटक से भी इम्पैक्टेड नहीं होंगे ज़्यादा तो यहीं तक रखते हैं फिर मुलाकात होगी कल आपसे आप, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं मैं भी भूल रहा हूँ आप भी भूल रहे हैं लेकिन मोमेंटम बढ़ गया हमारे चैनल का पता नहीं लास्ट चार पाँच छः दिन से लग रहा है बड़ा जोर का मोमेंटम आ गया व्यूअरशिप बढ़ गए हैं लोग सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं तो आई डोंट नो वट्स हैपन बट जो भी है अच्छा है चलो यहीं तक रखते हैं फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए थैंक यू